रायपुर की खबर के साथ, जहां अग्निपथ योजना को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब सत्याग्रह करने वाली है। 27 जून को हर विधानसभा में कांग्रेस विरोध जताएगी। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा में शामिल होंगे। 27 जून को पूरे छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना पर विरोध जताया जाएगा। तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूंगा, अपने विधानसभा में सबको रहना है, मैं अपने विधानसभा में रहूंगा। सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहां विधायक नहीं है वहां फिर पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे, लेकिन अपने अपने विधानसभा में सब रहेंगे। ये देश के सुरक्षा को लेकर, देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, हमने देखा अग्निपथ योजना को कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाकर विरोध जताती हुई कांग्रेस दिल्ली में नजर आई थी, और अब हम देख पा रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इस बार छत्तीसगढ़ में 27 तारीख को विरोध जताया जाएगा इस योजना के खिलाफ। देखिए बिल्कुल शुभम जी, AICC से तमाम कांग्रेस के नेताओं को निर्देश मिला है कि अपने अपने राज्य में जो है अग्निपथ को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करें। इसी को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जो है 27 जून को बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, सत्याग्रह करने वाली है। आपको बता दें कि सभी विधानसभा और जिला स्तर में पूरे कार्यक्रम होंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से अग्निपथ को लेकर सियासत नजर आ रही है पूरे देश भर में, एक और BJP जो है इसको अच्छा योजना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है इसकी तमाम विफलताएं बता रही है, इससे कितना नुकसान होगा इसको लेकर देश के सामने अपनी बात को रख रही है। कुल मिलाकर अब सभी राज्यों में जो है इस तरह के सत्याग्रह किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे, और साथ ही बताया जाएगा कि अग्निपथ योजना के नुकसान कितने, इससे युवाओं को कितना नुकसान होगा, युवाओं के भविष्य को कितना नुकसान होगा, इसको लेकर अब सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। 27 जून को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। CM भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो वो अपने क्षेत्र पाटन विधानसभा में शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इस केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी कि इस योजना को शुरुआत नहीं की है, क्योंकि इस योजना के शुरू होने से पहले ही हम देख रहे हैं जो देश भर से तस्वीर आ रही है, कई आगजनक की घटना हो रही है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जिस तरह से युवा सड़कों पर आंदोलित है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं और भी आगे जो है हालात चिंताजनक हो सकते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर जो है अपनी बात रखेगी और बताएगी कि अग्निपथ योजना से युवाओं को कितना नुकसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि 18 साल की उम्र में युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, और जब तो वो 22 साल के 23 साल के होंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो 4 साल में वो बंदूक चलाना सीख जाएंगे, और उनके बाद जब रोजगार नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो दूसरे गतिविधि में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की चिंता, और यही चिंता वो बताने के लिए कि इससे कितना नुकसान होगा युवाओं को और देश को, इससे कितना नुकसान हो सकता है योजना से, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी 27 जून को प्रत्येक विधानसभा में छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने वाली। बिल्कुल कुलेश्वर, सही कहा आपने, और लगातार विरोध प्रदर्शन तो इस योजना के खिलाफ जारी है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं खास करके छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल की अगर हम बात करें इस योजना के विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन 27 तारीख को देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।